हाँ जी जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ असम राइफल का ट्रेट टेस्ट, किस ट्रेट का बताने जा रहा हूँ आपका ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंट में रेडियो ऑपरेटर करके चलते हैं, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में। आज है आपका कितना डेट, 5 अगस्त। बहुत सारा कमेंट आ गया था इसके पहले, तो मैं कहूँ कि पहले इस पर वीडियो बना दूँ। नर्सिंग असिस्टेंट वाले पे भी आया था, तो अभी 4 तारीख को मैं वीडियो अपलोड किया, आज 5 तारीख है। 5 तारीख मैं आपको ये ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन के ट्रेट टेस्ट और रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लूँगा, रिटर्न एग्जामिनेशन लास्ट में बात करूँगा। और सबसे पहले चलिए आप फिजिकल के बारे में बता देता हूँ कि इसका, जैसे कि ऑपरेटर रेडियो का क्या होता है कि आपका सबसे पहले फिजिकल हो जाएगा, फिटनेस टेस्ट होगा फिजिकल के तुरंत बाद। जैसे जितने लोग क्वालिफाई करते हैं ना, तो उतने लोगों को बुला लिया जाता है, चलिए आज ही आपका ट्रेड टेस्ट होने जा रहा है। ट्रेड टेस्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके रहते हैं साथ में, और आपसे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। जब 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गेट रिजेक्टेड। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न का जवाब दे ही नहीं पाते हैं। तो ट्रेड टेस्ट के बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन आता है, तो फिजिकल आप दौड़ के आगे क्वालिफाई कर लिया आप आइए ट्रेड टेस्ट पे आपको ला दिया गया, और आपसे धड़ाधड़ सभी लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो लोग नहीं बता रहे हैं बाहर जाओ, जो लोग बता रहे हैं उनको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपका दे दिया जा रहा है कि भैया आप देखो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आप चले आओ, तैयार हो जाओ। तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बता दिया, 15 से 20 क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या होता है, एसी और क्या पूछा जाए, एसी डीसी करंट के बारे में, एसी करंट कैसे ट्रेवल करती है, डीसी करंट कैसे ट्रेवल करती है, एसी करंट का नेचर, डीसी करंट का नेचर क्या, कितना क्या खतरनाक कैसे, इन सब के बारे में आपका इसके बारे में पूछा जाता है। वैसे एसी डीसी तो एक पूरा बहुत बड़ा इस है, लेकिन तो आप ये 12th बेसिस पे है, और 10th और प्लस ITI जो भी आप किए रहे उस पर है, तो आपको उसी लेवल के हिसाब से फॉर्म, उसी लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और रेक्टिफिकेशन फॉल्ट इन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछा जाएगा, MCB के बारे में, फ्यूज के बारे में, और उसमें अगर जब MCB आ गया तो MCB का आप टाइप पढ़ लीजिएगा, सेमी कंडक्टर अगर लगा है तो उस वहाँ पर कौन सी MCB लगाएंगे, MCB को लगाना है तो कैसे आप मापेंगे कि कितना एम्पियर का लगाना है, कहाँ पे अब कौन सा टाइप लगाना है, बी लगाना है, सी लगाना है, के लगाना है, जेड लगाना है, कौन सा टाइप लगाना है आपको। अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग में कौन सा सबस्टेंस का यूज़ करते हैं ताकि उसमें का कंडक्टिविटी उसमें काफ़ी अच्छा बना रहे, और कौन सा रॉड यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर जब आप आते हैं तो लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, LA जिसको बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, क्यों हम प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में लाइटनिंग अरेस्टर का, कितना MM का केबल कैसे लगाया जाता है, ऊपर का जो लगाते हैं LA वो किस चीज़ का बना होता है, इन सब के बारे में भी, और जनरेटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, बंद किया जाता है, उसका बेसिक चीज़ कितना तेल पिएगा, इन सब चीज़ के बारे में आप जान लीजिएगा। यही आपका रेडियो ऑपरेटर का है, ऑपरेटर रेडियो एयरलाइन जिसको बोलते हैं, ऐसा ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ आप करंट के जान लीजिए, मतलब करंट अफेयर के, ऐसे मतलब जो भी आपकी डेली लाइफ में हो रहा है, इन सब चीज़ के बारे में आप जान लीजिएगा। ये जो मैं बताया हूँ ना, आपका 2018 के हिसाब से, 2018 में जितने कैंडिडेट गए थे उसमें कुछ कैंडिडेट से जब बात हुआ था तो ऐसे ही बता रहे थे कि यही सब पूछ रहे थे, और उसमें मेंशन भी किया गया था। और अब नेक्स्ट पे चलते हैं रिटर्न पे, तो रिटर्न पे आपका पूरा ऐसे ही रहता है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं आता है आपका, जैसे SSC GD का आता है ना, अगर आप उसका तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी आपका हो जाएगा, कोई भी इसमें टफ वाला। टफ क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर करने होते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इसका कट ऑफ जाता है। अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो अब किस चीज़ के बारे में आपका आएगा, देखा जाए तो आपका बना दे रहा हूँ वॉशरमैन पे। आप लोगों को इतना ज़्यादा कमेंट क्वेरी आ रहा था कि मैं कहा इसी को पहले बना के भैया अपलोड किया जाए। चलिए ठीक है, आपको समय मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और आर्मी का जो भी फॉर्म वॉर्म आ रहा है ना, पूरा भरते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, तैयारी के में लगे रहिए। ओके।